बता भगवान बता, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि तूने हमसे नजरें फेर ली? क्यों इस इंसानों के जंगल में औरत को शिकार और मर्दों को शिकारी बना दिया? अगर उस साहूकार की वजह से मेरी बेटी की बारात वापस लौट गई तो मैं तेरे सामने इसका गला घोटूंगी। फिर ना तुझे कोई भगवान मानेगा और ना कोई तेरी पूजा करेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान ना कर सका वो भगवान करेगा। बनारसी बेटे तू? ये लो मौसी तुम्हारी जमीन के कागजात। बेटे जो इंसाफ हमें कानून नहीं दे सका वो इंसाफ हम गरीबों को तूने दिलाया है। बनारसी सीधी तरह थाने चल, वरना टांगे तोड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। नया नया दरोगा बना है इसलिए तुझे माफ करता हूं। तू मेरी दरिंदगी को पहचानता नहीं इसलिए तुझे माफ करके तेरे साथ इंसाफ करता हूं। नया जरूर हूं मगर तेरी तारीफ सुन चुका हूं, जितने जुर्म किए हैं वो भी गिन चुका हूं। हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलवाऊंगा। कसम खा के आया हूं तुझे हथकड़ी पहनाऊंगा। मुझसे टकराएगा तो टूट के बिखर जाएगा, तेरे पैर उधर गिरेंगे और तेरा सर इधर आएगा। ये सर सर फरोश का है, कटने से नहीं डरता है। मौत की धमकी जो देता है पहले वही मरता है। दारोगा जी ये मुजरिम नहीं है, ये तो हम गरीबों का दाता है। दाता पाप की कोख से जन्मा, जुर्म की आंख पर गुनाहों की रोटी सेक सेक कर खाने वाला ये कभी गरीबों का देवता नहीं हो सकता। दारोगा तूने मुझे मौत की गाली दी है, कसम शिव जी की अब मैं तेरे सर पे मौत का नगाड़ा बजाऊंगा। बजेगा, मौत का नगाड़ा जरूर बजेगा, क्योंकि तुझे मारूंगा मैं और शिव जी तेरी मौत का नगाड़ा बजाएंगे। दारोगा ये लो वो कागजात जिसके लिए तुमने बनारसी को पकड़ा है, छोड़ दो इसे। नहीं चाची ये गलती नहीं करना। मगर ये जान लो उस कमीने साहूकार ने जमीन गिरवी रखते समय धोखे से कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब जब मैं बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहती हूँ तो वो कहता है अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो तभी वो कागजात दे देगा। सारा गांव जानता है बनारसी बेगुनाह है। ये लो कागजात और छोड़ दो इसे। अरे वाह दरोगा साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। जो काम बड़े बड़े अफसर नहीं कर सके वो आपने कर दिखाया। बनारसी जैसे भूत के हाथ से कागजात ले लिए, वाह 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 वाह, लाइए कागजात। दरोगा अगर तूने कागजात साहूकार को दे दिए तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अबे मुंह बंद रख अपना, वरना दरोगा साहब बत्ती सी तोड़ के पत्थर मुंह में दे देंगे तेरे। क्यों दरोगा साहब? दरोगा साहब माँ बहन की इज्जत के दुश्मन,
आज के बाद अगर तूने कोई बेईमानी की ना तो 32 ही तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल भाग यहां से, भाग। ये लो मौसी, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो, मैं बनारस को छोड़ दूंगा। जीते रहो। रामू, हाँ लाइट को वहां रख दे जल्दी। अरे यार रिफ्लेक्टर को ऊपर रख, ऊपर गाड़ी पे जल्दी जाना है यार, जल्दी यार। ओ संगीता क्या बात है, कितनी राह देख रही है? न जाने बनारसी अब तक क्यों नहीं आया। ओ यार हमें शहर पहुंचना है, देर हो जाएगी तो रात हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई मिला जिसे चाहने को दिल करता है। ओ अगर तेरी चाह सच्ची है तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और झक मार के मिलेगा। और चले ठीक है। बनारसी, मैं चाहता हूं कि तुम कानून से खिलवाड़ करना छोड़ दो। अगर कानून हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करें तो हम क्या करें? वैसे तुम हमको पुलिस वाला नहीं लगा था, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं? क्योंकि जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा पुलिस वाला मिला जो गरीबों के साथ इंसाफ किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम कानून की वर्दी पहनने के बाद भी तुम कानून के बागी हो। मैं कानून का बागी? जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है वही कानून का बागी कहलाता है। ठीक समझा तुम्हें? अगर दोनों कानून के बागी मिल जाएं, दोस्त बन जाएं, ना ही मुजरिमों में हिम्मत रहेगी और ना ही कानून में कि वो गरीबों को सता सके, उन पर जुल्म ढा सके। जुर्म और कानून की दोस्ती, अरे एक मियान में दो तलवारें कैसे मुमकिन हो? मुमकिन हो सकता है। पहले तुम मुझे यह बताओ वो कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम कानून के बागी हो गए? अब जब हम दोनों दोस्त बन ही गए हैं तो हम तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुमको सब कुछ बताऊंगा, कब कहां और कैसे हमारी दुनिया उजड़ी। डाकू जंगा ने आज तक इंसानों को लूटा है, लेकिन आज ये शैतान भगवान को लूटेगा और भगवान को कड़का करके इस धरती का भगवान बन जाएगा। आओ। रुक जाए जंगा, तुम साला कुटिया से लेके कोठी तक लूटा है, भगवान का ये मंदिर तो हम तेरे को लूटने नहीं देगा। इस धरती का भगवान मैं हूँ, और जो बिकता नहीं उसे मैं खरीदता हूँ। आज ये तेरे सोने का भगवान बिकेगा, उसे पिघला कर मैं हसीनों के गले की माला बनाऊंगा और पैरों के घुंघरू बनाऊंगा। तेरे बाप का राज है ना? अरे जो दिन शिव जी का डमरू बजेगा तो तेरी हालत उस घुंघरू जैसी हो जाएगी जिसे तवाई भी अपने पैर में नहीं बांधती, इसे ठोकर मार के साला गंदी नाली में फेंक देती है। का समझा? साले मुंह चिपकली जैसा डायलॉग मगरमच्छ की तरह मार रहा है, लगता है तेरे मुंह में मौत की मछली डालनी ही पड़ेगी। और वो हंसता चला गया, और आज तक वो हंसी अपने दिल में आग बनकर चल रही है। अपनी इस आग को बुझाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून की दहलीज पर सर पटके और कहा
कि हमारे पिता का खूनी जंगला है और कोई ना ही, लेकिन हमारी कोई ना सुनी। तब हमारा बचपन यकीन कर बैठा कि कानून जिसका नाम है वो एक जिंदा लाश है जो दिखावे के लिए सिर्फ इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है। यही वो पुलिस स्टेशन है जो हमारे पिता हवलदार रहे। देखो दोस्त, दोस्ती की खातिर हम तुम पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन इस भिखारी कानून के लिए अगर तुम हमसे हमारे दिल की एक धड़कन भी मांगोगे ना तो तुम्हारे हमारे बीच दरार पड़ जाएगी। हाँ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे हमारे बीच कोई दरार पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो कानून है जिसने मुझे मेरे पिता से दूर किया, मुझे गैर कानूनी तरीके से जीना सिखाया। अब हम दोनों मिलकर कानून के ठेकेदारों का नामो निशान मिटा देंगे।